चैनल होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का वीडियो होने वाला है हिंदी में, और जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं मंडे को एक रिपब्लिक डे स्पेशल वीडियो डालने वाली हूँ, तो यही वो वीडियो है जहाँ पर मैं आप सबके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इस रेसिपी के पीछे की स्टोरी ये है कि मैंने ये एक रेस्टोरेंट में खाई थी और ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और जैसे कि हम इंडियंस करते हैं कुछ चीज़ रेस्टोरेंट में खा के घर पे आके ट्राई करना, वैसे ही मैंने ट्राई किया एंड वो सिमिलर बनी थी, इसलिए मैंने सोचा आप सबके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। और इस रेसिपी का नाम है इंडियन पनीर चिली। लाइक चाइनीज़ चिलीज तो बहुत खा लिया, अब टाइम है इंडियन खाने का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मेन इंग्रेडिएंट जो ये तीन इंग्रेडिएंट्स वो इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है, मैंने बहुत बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है, मिर्ची ली है एंड दिस इज धनिया जो मैंने हाफ बॉल है। मतलब आपके टेस्ट के अनुसार, आपको लहसुन मिर्ची पसंद है तो आप ज़्यादा यूज़ करना वरना कम यूज़ करना। देन हम लोग का मेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वो है पनीर, उसको मैंने ऐसे स्लाइस किया है पीसेस में। एंड देन इसको कोट करने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं चावल का आटा, जिसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट मिक्स किया है। मीडियम फ्लेम पे पैन रख के मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल रखा है हीट होने को, तब तक हम लोग कोट कर लेते हैं पनीर को। सो ये आटे को एंड सॉल्ट को मैं मिक्स कर रही हूँ एंड देन ड्राई कोट करना है इसको जस्ट ऐसे। अब ये कोट हो गया है तो अब हम लोग इसको फ्राई करने लेते हैं। थोड़ा सा मैंने फ्लेम बढ़ा दिया है, इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। तो ये इस तरह गोल्डन ब्राउन हम लोग को करके लेना है सभी साइड से। सो ये गोल्डन ब्राउन करके हो गया है, तो मैं सेम तवे में वापस 1 टेबलस्पून खाली ऑयल ऐड कर रही हूँ, बिकॉज पनीर भी ऑलरेडी ऑयली है सो इसीलिए बस थोड़ा सा। एंड अब उसमें हम लोग हीट होने के बाद जो गार्लिक कटी हुई थी वो डालेंगे। मैंने एकदम स्लो रखा है फ्लेम, बिकॉज हम लोग को गार्लिक बर्न नहीं करना है इसीलिए। आपको ज़्यादा लहसुन पसंद है तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है टोटली। एंड देन मिर्ची, एंड इसको थोड़ा सा फ्राई करके ले लेंगे। हो गया है ऑलमोस्ट, तब तक हम लोग इसमें थोड़ा सा टर्मरिक डालेंगे। ये मैंने 5 मिनट कुक करने दिया है एंड उसके बाद हम लोग हल्दी डालेंगे इसमें एंड मिक्स कुक कर लेते हैं पहले। हाफ टी स्पून हल्दी इज इनाफ, आपको और कलर चाहिए तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। एंड हल्दी डालने के बाद जो हम लोग का मेन इम्पॉर्टेंट सबसे मैजिक इंग्रेडिएंट जिससे टेस्ट आने वाला है वो है चाट मसाला। तो हम लोग एक होल 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे एंड बाद में थोड़ा सा टेस्ट कर, आपको बाद में टेस्ट में अगर कम पड़ा तो आप और भी डाल सकते हो, मैंने अभी के लिए इतना ही डाला है। बस इतने से ही इंग्रेडिएंट्स में हम लोग का फुल वो पनीर, इंडियन पनीर चिली बनने वाला है। ये कुक हो रहा है, कुक हो गया है ऑलमोस्ट, तो अभी हम लोग इसमें पनीर डालते हैं एंड इसको मिक्स करके ले लेते हैं। एंड आपको थोड़ा सा ये ड्राई लगेगा तो आप उसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँ, एकदम थोड़ा सा जस्ट, एंड इसको मिक्स करके ये रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए बिकॉज पानी ऐड कर रहा था। आप चाट मसाला और थोड़ा ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं वापस थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून, क्योंकि चाट मसाला हम लोग ने इसमें सॉल्ट यूज़ किया ही नहीं है, बस थोड़ा सा कोटिंग के टाइम वो भी बहुत एकदम कम था इसीलिए
अभी मैंने ज़्यादा चाट मसाला यूज़ किया बिकॉज उससे ही टेस्ट आने वाला है। सो ये डन रेसिपी तो हो गया है, बट इसके साथ और एक चीज़ था वो जो वो लोग ने रेस्टोरेंट में सर्व किया था, तो अब हम लोग वो बनाते हैं एंड इसे रख देते हैं। एंड रेसिपी तो डन है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है, बस ऊपर से अभी हम लोग को धनिया डालना है बहुत सारा। सो अब जो साइडर वो लोग ने सर्व किया था उसके लिए मैंने एकदम बारीक स्लाइस किया हुआ ऑनियन लिया है एंड उसमें हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे एंड थोड़ा सा लेमन जूस एंड इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड करते हैं, एकदम थोड़ा सा, एंड ये भी रेडी है। तो अब हम लोग सर्व करते हैं डिश को। करते हैं तो फर्स्ट मैंने सेंटर में एकदम राइस लिया है, इसके ऊपर हम लोग डालेंगे साइड में, मतलब ये साइड ऑनियन सैलेड जो हम लोग ने बनाया था, यानी हाफ पे पनीर चिली, इंडियन पनीर चिली रेडी है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए और आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप ट्राई ज़रूर करेंगे बिकॉज बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये रेसिपी बनती है और बहुत ही इजी और टेस्टी यमी है। तो फिर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फैशन रिलेटेड कंटेंट DIYs भी मैं बताती हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और ये रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड मिलेंगे आपको नेक्स्ट फ्राइडे, तब तक टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।